इनडायरेक्ट स्पीच। आज फिर हम कुछ वाक्यों को देखते हैं, सभी तरह के मिक्स वाक्य हैं, पहचान करके फिर वाक्य को हल करना, कौन से वाक्य में कौन सा नियम लागू करना है, ये विशेष बात है आपको पहचानने की। अब सब मिक्स वाक्य आएंगे तब आपको पता लगेगा कि पहले तो क्रम से आ रहे थे, फिर प्रश्नवाचक आ गई, फिर एक्सक्लेमेटरी आ गई या इंपेरेटिव सेंटेंस आ गई। अब एक साथ मिक्स वाक्य हैं उनको कैसे किया जाता है वो देखें। जैसे ही सेड टू सीता प्लीज वेट फॉर मी, अब ये प्रश्नवाचक नहीं है, पहली बात नहीं है। उसके बाद आप ये देखोगे कि ये साधारण है या नहीं है। साधारण वाक्य ऐसे प्लीज से और वेट से नहीं शुरू होते हैं। ये वर्ब है वेट, वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य, तो इसका मतलब ना तो ये इंट्रोगेटिव है ना ही एफर्मेटिव वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो फिर कौन सा हुआ? उसके बाद अगला वाक्य आता है जब प्लीज काइंडली आए, तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, तो जो प्लीज काइंडली हो तो ही रिक्वेस्टेड। प्लीज काइंडली आए तो किसका प्रयोग करते हैं? रिक्वेस्टेड सीता। प्लीज और काइंडली अगर आता है तो याद रखना है नियम में लिखा था हमने किसका प्रयोग करेंगे, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का। और प्लीज और काइंडली क्या हो जाएगा? हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं। उसके बाद वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है? वर्ब से। इसीलिए तो हमने कहा जो वाक्य वर्ब से शुरू होंगे उसमें एडवाइज है, ऑर्डर्ड है, इनका प्रयोग करना है, लेकिन प्लीज आ जाए तो वहाँ रिक्वेस्टेड लगा देंगे। और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे? टू का, टू लगा दिया। फिर क्या आ रहा है? वेट फॉर, ये देखो क्या है, मी है। मी अपना कौन सा पर्सन है? आई, माई, मी। मी कौन सा पर्सन है बताओ? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को कहाँ से बदलना है? पहले स्थान से। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? ही लिखा हुआ है, तो ही, हिज और हिम। पहले भी मैंने ये सारणी बताई, टेबल बता के कैसे करना है। मी के सामने कौन आ गया? हिम आ गया, तो फॉर हिम आ जाएगा, मी हट जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो वाक्य बन गया ही रिक्वेस्टेड सीता टू वेट फॉर हिम। आगे बात समझ में, कि प्लीज या काइंडली आए वहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है, और कनेक्टिव वर्ड किसको जोड़ना है? टू को जोड़ना है, ये नियम इसमें लागू होता है। आगे चले, ओवर टीचर सेड टू अस डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये अलग तरह का वाक्य आ गया। ये शुरू किससे हो रहा है? डू नॉट से, लेकिन क्या नहीं है? पर्सन वाचक चिन्ह नहीं है, ठीक है। जो डू नॉट से शुरू होता हो, पर्सन वाचक चिन्ह ना हो, वो वाक्य किससे बनाना है? वो नियम में चले जाओ फिर, मैंने बोल के लिखवाया था कि डू नॉट से शुरू होता हो, पर्सन वाचक चिन्ह ना हो, वो वाक्य फॉरवर्ड से बनाने हैं। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। जैसे ओवर टीचर, जहाँ सेड टू है वहाँ फॉरबिड का प्रयोग कर दो, क्योंकि फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, फॉरबिड अस, ठीक है। जब डू नॉट आए, पर्सन वाचक चिन्ह ना हो, पर्सन वाचक चिन्ह होगा उसका नियम अलग लागू होता है, पर्सन वाचक चिन्ह ना हो तो वहाँ पर सेड टू के स्थान पर क्या लगा देना है? फॉरबिड, और डू नॉट को हटा देना है, और क्या जोड़ देना है? टू जोड़ देना है। ये वाक्य वो है जो दो तरह से बनाए थे, फॉरबिड से या रिक्वेस्ट एडवाइस से, ऑर्डर से बनवाए थे, दो तरह से बनते हैं। तो ये डू नॉट हट गया, टू लग गया, वेस्ट का क्या आ गया? वेस्ट आ गया। योर आ रहा है क्या? योर पर्सन कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। कहाँ से बदलेगा? दूसरे स्थान से। तो यू, योर और यू बदलना दूसरे स्थान अस से, तो वी ओवर अस, अपने पास योर आ रहा है जो किस में बदल जाएगा? ओवर में बदल जाएगा, तो ओवर आ गया यहाँ। फिर क्या लिख दिया? टाइम, वेस्ट योर टाइम। ओवर टीचर फॉरवर्ड अस टू वेस्ट ओवर टाइम, केवल योर को बदला है, डू नॉट हटाकर टू लगा दिया, सेड टू के स्थान पर क्या लगा दिया? फॉरवर्ड लगा दिया। इन परिवर्तन को करना आवश्यक है। तीसरा देखें, माई फ्रेंड सेड टू मी व्हाट ए नाइस पर्सन यू आर,
अब इसमें किस तरह का वाक्य है? ये है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। इसमें नियम अलग लगता है अपना कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो तो एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना है। एक दो तरह के आएंगे, पीछे नाउन हो या पीछे हेल्पिंग वर्ब हो, दो तरह के वाक्य आएंगे। तो माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा व्हाट ए नाइस पर्सन यू आर, तुम कितने नाइस पर्सन हो। तो इससे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है। तो जहाँ स्पष्ट पता ना हो वहाँ क्या लिख देंगे, केवल एक्सक्लेम्ड और दैट लगा देंगे। कोई जॉय नहीं, सरप्राइज नहीं, सोरो नहीं, केवल क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट। एक्सक्लेमेटरी वाक्य है इसलिए एक्सक्लेम लगाया है, ठीक है ना। अब वार्ड से आश्चर्य होता है, लेकिन ये अच्छा पर्सन है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए केवल एक्सक्लेम लिख दिया वार्ड का। अब ये कहा के पीछे शुरू होते हैं आर। आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि किसके साथ आ रही है, यू के साथ। तो यू को उठाकर आगे ले जाना है, लेकिन यू बदलेगा मी से, तो यू मी से बदलेगा, तो यू योर यू मी है, तो आई माई मी। यू के सामने कौन आ गया भाई, आई आ गया। तो आई से उठाकर आगे ले जाएंगे वाक्य, सबसे पहले आ गया आई, यू बदल गया आई में, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब वो किसके साथ आई है उसको आगे ले जाना है बदल कर। यू बदला मी से, आई आ गया, मी डायरेक्ट किसमें बदल गया, वाज में, आई वाज, ठीक है। और क्या आ रहा है, ई, वाट लिखते नहीं है, एक चीज़ हम जोड़ते हैं वो क्या है, वेरी। फिर क्या आ रहा है, नाइस। फिर क्या आ रहा है, पर्सन। वाक्य बन गया माई फ्रेंड एक्सक्लेम दैट आई वॉच ए वेरी नाइस पर्सन, ठीक है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई यू के साथ, यू को उठाकर आगे ले गए, आई आ गया। इधर एम वॉच वर्ब में ए उतारना है और वेरी लगाना ही है, फिर नियम में लिखा हुआ है, नाइस का नाइस, पर्सन का पर्सन आ गया, वाट को लिखना नहीं। अभी एक्सक्लेमेटरी बात समझ में, अभी दो दिन पहले एक्सक्लेमेटरी शुरू कराए थे हमने। माई सिस्टर सेड मैन इज मॉर्टल, मेरी बहन ने कहा मैन इज मॉर्टल, मनुष्य तो क्या है, नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, ये सार्वभौमिक सत्य है, कोई भी अमर नहीं है। जो आए हैं उन सबको क्या करना है, जाना है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। हमने कहा दो और दो चार, दो और दो चार होते हैं, तो दो और दो चार सार्वभौमिक सत्य हो गया। ये आपके पिताजी दादाजी और आपके बच्चे सब पढ़ेंगे, तो दो और दो कितने पढ़ेंगे, चार ही पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य है। तो मनुष्य जो है नश्वर है, एक दिन समाप्त होना है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और कल हमने जो वाक्य किए थे कि सार्वभौमिक सत्य आद्यतन वाक्य ऐतिहासिक तथ्य मुहावरे कहावत के साथ इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो क्या करना है फिर, माय सिस्टर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगा दो, दैट लगा दो। फिर क्या लिखा है, मैन इज मॉर्टल, वापस लिख देंगे मैन इज मॉर्टल। अगर नियम लागू होता ना तो इज आर एम किस में बदलता, वाज वर्ब में बदलता, लेकिन यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य है इसलिए रिपोर्टेड क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करना है जब सार्वभौमिक सत्य आता हो। इसीलिए एज इट इज वाक्य को देखो हमने क्या कर दिया, उतार दिया इसको, केवल यहाँ दैट लगा दिया। समझ में आए होंगे आपको वाक्य कैसे बनाए हमने, आप और इन वाक्यों को करके देखें कि कैसे वाक्यों को बनाना है। धन्यवाद।